बढ़ते और बात करेंगे कोरोना की। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। एससी में कहीं ना कहीं योगी सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है और जो यूपी के एनसीआर से सटे जिले हैं उनमें अब मास्क फिर से जरूरी कर दिया है। यानी अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं तो आपको मास्क फिर से पहनना होगा। अगर अपने मास्क घर में रख दिए तो पहनना शुरू कर दीजिए। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के अलावा हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल पर फोकस करने के लिए कहा है, जिससे कोरोना की चौथी लहर की संभावना को रोका जा सके। इस समय कोरोना का नया वेरियंट ओमिक्रॉन XE देश में पैर पसार रहा है। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने का असर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में दिखने लगा है, जबकि यूपी सरकार ने कोविड-19 के मामलों में खासी गिरावट होने के बाद इस महीने के शुरू में मास्क लगाने से छूट दे दी थी, लेकिन अब फिर इन जिलों में मास्क जरूरी हो गया है। नोएडा में बीते एक हफ्ते में 50 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में एक तरफ बच्चों का भविष्य है तो दूसरी तरफ उनकी सेहत को लेकर पेरेंट्स परेशान हैं और उन्हें स्कूल भेजने में डर रहे हैं। नोएडा स्वास्थ्य विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर 1800-4922-11 जारी किया है। यही नहीं, सभी स्कूल और कॉलेजों में कोरोना हेल्प डेस्क जरूरी कर दी गई है। उधर कोरोना की चौथी लहर को लेकर IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है वो राह देने वाला है। इसमें अभी तक ऐसा आश्चर्यजनक चीज नहीं दिखी है कि अरे ऐसे कितना ज्यादा संख्या कैसे बढ़ गई। अभी कुछ समय तक हमें और देखने की आवश्यकता है। मेरा आकलन ये है कि कुछ समय में, एक हफ्ते दो हफ्ते के पश्चात, ये संख्या अब फिर उसके बाद नीचे जाना प्रारंभ कर देगी। हालांकि NCR में सरकार सावधानी के तौर पर लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि अपनी जान की फिक्र के लिए क्या सरकारी आदेश का इंतजार जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।